हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मींस INM के बारे में, उसके सिलेबस में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको लेकर के आज हम आए हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट यूनिट, सॉइल फर्टिलिटी कॉन्सेप्ट। सॉइल फर्टिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है और सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। या तो ये क्वेश्चन आपके डिफरेंस में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, या कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं कि कंपेरिजन कराओ दोनों में। फिर उसके बाद में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सॉइल प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, कैसे उसको बनाए रखते हैं कि एडिंग मोर ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं सॉइल कंजर्व करके, तो डिफरेंट मेथड्स हैं सॉइल फर्टिलिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके द्वारा जो है इन्फ्लुएंस होता है। तो ये फर्स्ट यूनिट से आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और सॉइल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड हैं। सेकेंड यूनिट क्या कहती है, सेकेंड यूनिट में इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, 16-17 है, लेटेस्ट वाला अलग से लिख लेना, ठीक है। बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं, CHO हो गया, NPK हो गया, CAMG, MGS हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, ठीक है, निकिल हो गया। तो इस प्रकार से 16-17 जितने हैं आपको अच्छे से तैयार करने हैं, और कौन से उसमें आते हैं, इसके सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, जो डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। मींस कोई प्लांट अगर बना लेना, प्लांट बनाने के बाद में ओल्डर लीफ होती है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो मिडल लीफ होती है उसमें कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, ओके। फिर उसके बाद में जो न्यू लीफ होती हैं छोटी सी, उसमें कौन से सिम्टम्स न्यूट्रिएंट के दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में टिप में जो पत्तियां आती हैं तो उसमें कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्लांट को शो करके उसमें सिम्टम्स को भी दिखा देना है, तो इससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ओके। देन क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी जो Arnav Stout ने दिया था, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत है कि एक जो है न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है तो दूसरा उसको कम वो नहीं कर सकता है, उसे वही न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है Arnav Stout ने दिया था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, उनका पूरा आप तैयार कर लीजिएगा। फिर क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी किसने दिया था, न्यूट्रिएंट्स जो मेजर न्यूट्रिएंट हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो, उनके फंक्शंस क्या हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स का मतलब कि जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का सिम्टम्स अगर डिफिशियंसी है तो प्लांट के कौन से पार्ट में उसका जो है दिखेगा, ठीक है, सिम्टम्स तो ओल्डर लीफ में दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का जो है टिप पे होता है डिफिशियंसी, अगर दिखेगी कि कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो कोई भी प्लांट होगा तो उसकी जो टिप होगी उस पर उसका सिम्टम्स दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको बता देना है कि कौन सा प्लांट से कहाँ से डिफिशियंसी सिम्टम्स निकलते हैं और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे विप्टेल इन कॉलीफ्लावर मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से होता है, जिंक की डिफिशियंसी से खैरा डिजीज होता है, ठीक है, तो ये आपको देखना है। फिर उसके बाद में क्रिटिकल लेवल्स ऑफ डिफिशियंसी इन टॉक्सिसिटी के वजह से भी कभी कभी सिम्टम्स दूसरे दिखाए जाते हैं या दिखने लगते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट क्या कहती है, थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट में क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल साल्ट इन प्लांट्स, ठीक है, कैसे जो मिनरल्स होते हैं तो कैसे वो प्लांट में अपटेक किए जाते हैं, तो पूरी मैकेनिज्म आपको बतानी पड़ेगी, ओके। फोर्थ यूनिट क्या है, सॉइल फर्टिलिटी एवेल्युएशन
और टिश्यू टेस्ट, ये तो आपका टेस्ट वाला है, ठीक है। ठीक है, ऐसे सॉइल फर्टिलिटी को इवेल्युएट करेंगे, कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। कि जैसे वो एक होता है चार्ट मेथड वाला होता है, मॉनसून कलर चार्ट होता है, ठीक है, और भी चार्ट होते हैं जो प्लांट का एनालिसिस करते हैं। और देखे होंगे सॉइल लैब वगैरह बनी है ना, सॉइल लैब वगैरह, तो कैसे उसमें टेस्ट किए जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर के हिसाब से होता है। तो ये बहुत सारे मेथड हैं, कैसे उसको हम देखेंगे कि निकल सकते हैं कि नाइट्रोजन को अगर देखना है तो कैसे टिश्यू टेस्ट के थ्रू निकालते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। फिर मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, यस बिल्कुल, ये सब जो ऐसे नेम हैं, मिनरलाइजेशन हो गया, इमोबिलाइजेशन हो गया, मोबिलाइजेशन हो गया, नाइट्रिफिकेशन हो गया, नाइट्रिफिकेशन हो गया, नाइट्रिफिकेशन के बाद में अमोनिफिकेशन हो गया, अमोनिफिकेशन, ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। तो ये सब ऐसे हैं, इनको शॉर्ट नोट्स में अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, इस प्रकार से के जो जितने हैं। फिर उसके बाद में कि कैसे नाइट्रोजन को फिक्सेस किया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, ठीक है, कैसे इसका क्राइटेरिया है कि नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कैसे कन्वर्ट होते कौन से बैक्टीरिया, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में, फिर है अमोनिफिकेशन कैसे किया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया का रोल होता है, इसी प्रकार से फास्फोरस एंड पोटास जो होता है पोटेशियम, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, जैसे आपका कौन सा होता है वैम क्या होता है, वी ए एम, ठीक है, पी एस बी क्या होता है, ये सब देख लीजिएगा, ओके, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ओके। तो ये देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। फिर उसके बाद में 6 यूनिट की अगर बात करें तो 6 यूनिट में आपका फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र क्या होता है और फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र कैसे होते हैं, सिंपल फर्टिलाइज़र कैसे होते हैं, मिक्स्ड फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, सब क्लासिफिकेशन में आएगा। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र वो होते हैं मैन्योर से डिफरेंट कैसे होते हैं, कि ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं और अधिक से अधिक लाभ पहुंचाते हैं। तो फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होता है, मैन्योर्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे ये रिएक्ट करते हैं, कौन से फॉर्म में, कौन कौन से फर्टिलाइज़र होते हैं, एलिमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या होता है, मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स, ये आपको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, डिफरेंस क्या होता है। फिर यूरिया का साइंटिफिक वो देख लेना, NH2CONH2 होता है, NH2CONH2। फिर अमोनियम सल्फेट क्या होता है, इसमें कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना सल्फर पाया जाता है सुपर फास्फेट में, ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट में कितना आपका सल्फर पाया जाता है, कितना फास्फोरस पाया जाता है, एंड उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटास में कितना पाया जाता है, इसको दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक सोर्स न्यूट्रिएंट तो कौन कौन से हैं, जैसे मैन्योर क्या है, कंपोस्ट क्या होता है, ग्रीन मैन्योर्स क्या होते हैं, तो इसका जो है न्यूट्रिएंट का कंपोजिशन देख लेना, कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम, तो इससे आपका जो आंसर होगा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे FIM है तो कितना पाया जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। तो इस प्रकार से एक टेबल बना लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। बायोफर्टिलाइजर्स 101% आपका एक क्वेश्चन बायोफर्टिलाइजर से आएगा, बायोफर्टिलाइजर से एक क्वेश्चन बन के आएगा कि बायोफर्टिलाइजर क्या होता है, ठीक है, तो और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आपको ये तैयार करना है कि बायोफर्टिलाइजर्स क्या होता है। देन उसके बाद में INM, ये दो क्वेश्चन आपको तैयार ही करने हैं बायोफर्टिलाइजर से। एक होता है INM, INM क्या है, रिसेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, विदाउट इंडेंजरिंग सॉयल एनीथिंग, कैसे हम न्यूट्रिएंट को सप्लाई करें जिससे ना तो प्लांट का, ना तो एनवायरनमेंट का, ना तो सॉयल का कोई भी प्रकार का हानि हो, ठीक है, कोई भी डिमेरिट्स नहीं होनी चाहिए। तो INM क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से रट लीजिएगा, देन INM मॉडल्स कैसे काम करता है, और INM, बस INM देख लीजिएगा, बस INM में आप इतनी चीज़ें देख सकते हो, INM
और आयनम के बाद में अगर हम बात करें तो कौन कौन से आपको देखना है, तो डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट एंड मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस, ओके, और इसका रोल क्या है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से कवर कर लेना है और एक ग्राफिक में इसको प्रेजेंट करोगे टेबल फॉर्म में इस प्रकार से, तो आपके अच्छे ज़्यादा नंबर आने के चांस रहेंगे, अट्रैक्टिव बनेगा आंसर। तो इस प्रकार से आपका आयनम था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से अगर हम बात करें तो NPK कैसे डिटरमाइन करोगे सल्फर को, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। एनालिसिस कैसे करोगे, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आए हैं वो देख लीजिए। तो प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चन की बात करें तो कैसे आए हैं, देखिएगा कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होती है प्लांट की, और माइक्रो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनको डिटेल में मतलब ब्रीफ में समझाना है। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी अगेन चांस है आने के, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है उसको, ठीक है, कैसे हम उसका इवेल्युएशन करेंगे। देन उसके बाद में है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे काम करते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे वो नाइट्रोबैक्टर हो, नाइट्रोसोमोनास हो, राइजोबियम हो, ठीक है, तो ये सब होते हैं, तो इनको कैसे काम करते हैं, अजेटोबैक्टर है, तो ये देख लीजिएगा। और प्लांट इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी होते हैं जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो जो भी हो देख लेना ये सब। फिर सुपर फास्फेट कैसे बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सुपर फास्फेट की देख लेना, यूरिया की देख लेना, अमोनियम सल्फेट की देख लेना, DAP की देख लेना, अगर दो तीन देखना हो तो सुपर फास्फेट की देख लेना एंड यूरिया की देख लेना एंड DAP की देख लेना, ओके, और देखना हो तो MOP की देख सकते हो, बस इसमें से एक आ जाएगा। फिर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कौन कौन से होते हैं, तो जिसमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स का मतलब होता है जिसमें नाइट्रोजन, यूरिया हो गई, DAP हो गई, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम फास्फेट हो गया, ठीक है, एनहाइड्रेट अमोनिया हो गई, तो इस प्रकार से काफ़ी हैं, ठीक है, तो इनको देख लेना। फिर व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इन एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है, तो ये देख लेना अपना कि कैसे इसका यूटिलाइजेशन करोगे जो स्लज होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो एक वेस्ट से आ सकता है कि वेस्ट को कैसे हम डाइजेस्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र क्या हो सकता है, मिक्स्ड फर्टिलाइज़र यहीं पे अपना तैयार कर लेना। देन डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ पोटाश इन प्लांट, क्या रोल होता है, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले कि देखना है कि इसका फास्फोरस का रोल क्या होता है, देन उसका प्लांट में कैसे काम करता है, डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या हैं, कौन सी इसकी डिजीज़ क्रिएट करता है, और कैसे इसको अपटेक किया जा सकता है, कौन कौन से पोटासिक जो है पोटासिक फर्टिलाइज़र है, ठीक है, ये इस प्रकार से। देन उसके बाद में आता है कि एक्टिव अपटेक इन मिनरल साल्ट इन प्लांट, देख लेना सल्फर का क्या रोल है प्लांट में। फिर टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फर्टिलिटी, वो देख लेना, तो इसमें टू लिखा है तो इसको टू हटा दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी ये आ सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल आ सकता है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, कैसे अप्लीकेशन किया जाएगा, सॉइल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कैसे मेंटेन की जाएगी, डिफिशियंसी सिम्टम्स फास्फोरस के प्लांट पे कैसे करेंगे, तो आपका ये देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा फास्फोरस का डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या, नाइट्रोजन का क्या है, ये अच्छे से कवर कर लेना। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है माइक्रो उससे न्यूट्रिएंट से कि किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट को भेज देंगे, मतलब आपके उसमें आ जाएगा पेपर में, उसको लिखना पड़ेगा कि फंक्शंस क्या होता है। फिर आयनम को तो आप बिल्कुल आयनम बायोफर्टिलाइजर क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी और ये जो प्लांट के सिम्टम्स हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके 101% आएंगे, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, दो तीन तो बिल्कुल आने ही आने हैं, ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग आयनम क्या होता है। देन उसके बाद में ऑर्गेनिक सोर्स न्यूट्रिएंट के कौन कौन से,
ऑर्गेनिक सोर्स जैसे FYM हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया, केक हो गया, तो इस प्रकार से ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं जैसे ढैचा हो गया, ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, कॉपर का डिफिशियंसी सिम्टम्स। और ये जो तीन क्वेश्चन मैंने इसमें रेड किए हैं ये आपके लॉन्ग में आए थे, ठीक है, तो ये आ सकता है आपका, इनको भी अच्छे से अपना पढ़ के जाइएगा। कौन सा कि गिव डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एलिमेंट्स इन सॉलिबली प्लांट्स, ठीक है, सॉल्युबल प्लांट्स। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ INM का, ठीक है, फिर उसके बाद में डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। INM का अगर बात की जाए तो INM में आपका देखो दो प्रकार के आते हैं, एक आता है आपका फर्टिलाइजर भी आएगा और क्या आएगा, मैन्योर्स भी आएगा। मैन्योर्स की बात करें उसके अलावा बायो फर्टिलाइजर भी आएगा, ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक आएगा, इनऑर्गेनिक आएगा, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी अच्छे से देख लेना, ठीक है, और बायो फर्टिलाइजर्स का। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।